आपदा की राशि में घोटाला किए जाने के विरोध में ग्रामीण विकास मंत्री का अर्थी दहन करके नूरसराय जा रहे रालोसपा नेता को दीप नारायण थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सभी नेता राणा विघा मोड़ से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अर्थी लेकर नूरसराय प्रखंड कार्यालय जा रहे थे। इसी बीच दीप नारायण के थानेदार शेर सिंह यादव ने इन लोगों को देवीसराय चौक से गिरफ्तार कर लिया। अर्थी जुलिस माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी का अर्थी जुलिस निकासे थे, यहाँ से चोरावेचा मोड़ से लेकर के नूरसराय प्रखंड तक जाना था। हम इन लोग को जो कोरोना महामारी है उसमें जो घोटाला चल रहा है उसी के विरोध में हम लोग निकाले थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर कि बिहार सरकार इस कोरोना महामारी में सारे जगह फेल है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपूर्ति हो, और सबसे ज़्यादा डकैती डाला जा रहा है तो प्रवासी मजदूरों को सेवा के नाम पर क्वारंटाइन सेंटर में, जहां मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, खाद्यान्न, अन्य प्रकार किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। रहुई बिंद में पुलिस पर हमला कर दिया, मजदूर भूखा आदमी किसी पर हमला कर देगा, उस पर एफ आई आर किया गया। तो ये अव्यवस्था है, उसके खिलाफ हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का आज अर्थी जुलूस निकाल रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटर में जो घोटाला किया जा रहा है आपके वीडियो द्वारा, आपके अधिकारियों द्वारा, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। बिहार शरीफ डाक बंगला मोड़ स्थित शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिक्षकों ने फर्जीवाड़े से मुक्ति और लंबित वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फर्जी शिक्षक के नाम पर लोकायुक्त पटना का हवाला देते हुए बिना किसी पत्रांग दिनांक के आलोक में आरटीआई कार्यकर्ता गुड्डू कुमार के द्वारा नालंदा जिले के 339 शिक्षकों के वेतन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा मौखिक आदेश से जनवरी से रोक दिया गया है। जब इस बाबत पदाधिकारियों से पूछा जाता है तो पदाधिकारी एक दूसरे के वरीय पदाधिकारियों का हवाला देते हुए पिछले कई महीनों से लगातार मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जेन्युइन टीचर का फर्जीवाड़ा के नाम से हम जैसे जेन्युइन टीचर का ये मानसिक स्थिति शोषण हम लोग का ये किया जा रहा है। बार बार फर्जीवाड़े नाम में दिया जाता है, जबकि ना कोई जांच पड़ताल होता है, ना कोई सूचना दी जाती है, और हम लोग का वेतन बंद है जनवरी माह 2020 से। तो हम लोग इतने परेशान हैं, डी ओ डी पी ओ सबको हम लोग ने बार बार रिपोर्ट किया, लेकिन अभी तक कोई इसका संकल्प ये नहीं दे रहे हम लोग को रिपोर्ट, ना कोई मिलते हैं। सर हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं, वो क्या हम लोग को निर्णय देते हैं उस विचार से। जी सर, मेरा नाम शक्ति कुमार है, मैं मध्य विद्यालय बेगमपुर नूरसराय प्रखंड से हूँ, और हम लोगों का 2019 में भी अप्रैल और मई महीना का वेतन जो है किस कारण से अभी तक नहीं मिला है। पीछे का वेतन मिल चुका है, आगे का मिल चुका है, लेकिन अप्रैल और मई महीने का वेतन अभी तक क्यों लंबित है हम लोगों को एकदम समझ से परे है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किस कारण से बंद है, कोई हम लोगों को सूचना नहीं है इसकी, और फिर जनवरी 2020 से फिर बंद कर दिया गया। हम लोग समस्या यही हो रही है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि हम लोगों का वेतन आखिर बंद क्यों है।